गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह हैं, सुरक्षित हैं। ठीक है, तो आज हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उस कहानी को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आपने पेड़ तो देखे ही होंगे, है ना। बहुत सारे पेड़ देखे हैं आपने, छोटे भी देखे हैं, बड़े भी देखे हैं, ठीक है, बहुत बड़े भी देखे होंगे। ठीक है, क्या आप मुझे उन पेड़ों के फ़ायदे गिना सकते हो। यस, पेड़ों से हमें क्या मिलता है। पेड़ों से हमें छांव मिलती है, पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, ठीक है, पेड़ों से हमें लकड़ियां भी मिलती है। ठीक है, और कुछ पेड़ तो हमारे लिए जड़ी बूटियों का भी काम करते हैं, करते हैं ना। यस, तो आज हम आपको एक कहानी पढ़कर सुनाएंगे। ठीक है, आप ध्यान से सुनना और अंत में आपको बताना है कि कौन कौन सा पेड़ अच्छा है या कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है। ठीक है, तो ये आपने सोचना है, इसलिए कहानी को ध्यान से सुनना है। ठीक है, इस कहानी में हम विभिन्न पेड़ों के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं, और अगर आप ध्यान से सुनोगे तभी प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कहानी, और कहानी का नाम जो है वो है सबसे अच्छा पेड़। क्या नाम है कहानी का, सबसे अच्छा पेड़। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तीन भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया, उसके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। चित्र में दिखाई दे रहा है ना, तीनों भाई आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, आम को खा रहे हैं। पेड़ के पके आम तोड़कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है, आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे, और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। अगले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई। ठीक है, क्योंकि तीनों भाई घर की तलाश में निकले थे ना। ठीक है, तो पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है, मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भर पेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा, केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, सब उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वही झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। क्या मिला, नारियल का एक पेड़। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप, एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया, नारियल के पेड़ की छोटी सी छांव। तीसरा भाई उसी छांव में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है, आम भी बड़ा अच्छा फल है,
केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। ठीक है, जो तीसरा भाई था वह अपने दोनों भाइयों के जो उन्होंने पेड़ देखे थे ना, उस पेड़ में वो अपने झोंपड़ी बना ली थी उन्होंने, उसके बारे में ही सोचता रहा कि आम का पेड़ भी बढ़िया होता है, आम भी बढ़िया होता है और केले का पेड़ भी। ठीक है, तो उनके बारे में सोच ही रहा था वो, तभी क्या सोचता है वो आगे, पेड़ नीम का भी अच्छा होता है ना, कि जो नीम का पेड़ है ना उसके बहुत फ़ायदे हैं, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है, घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं, मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाह भी देगा, और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता, पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ मैं बेच देता, रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोचो, क्योंकि वह नारियल के पेड़ के नीचे बैठा था ना, तो इसलिए वह उस नारियल के पेड़ के बारे में बताने लगा। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ। ठीक है, जो नारियल के पेड़ के जो नारियल का फल होता है ना उसके ऊपर जटाएं होती है ना, कुछ होती है ना, देखा आपने कभी? यस, वो कहता है मैं उनकी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। क्या बना सकता है वो? चटाइयाँ। ठीक है, रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाज़ार में बेच सकता हूँ, मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ, मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ, खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल भी निकाल सकता हूँ, गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने में काम आता है। तो यहाँ पर वह नारियल की जो खूबी थी वो बताने लगा, उसके फ़ायदे बताने लगा। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ, ठीक तो है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊँगा। तो इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? अब मैंने क्या कहा था कि जैसे ही कहानी ख़त्म होगी आपको बताना है कि आपको कहानी के अंदर या कोई आपकी अपनी ज़िंदगी में आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगा, और उसका आंसर भी देना है कि वो आपको क्यों सबसे अच्छा लगा। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है, उसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो ये सब आप लिखेंगे और अपने टीचर्स को अपनी कॉपी पे लिखकर सेंड कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कहानी के लिए जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।